इस पिक्चर के हिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि एक ही पिक्चर में अगर ऋतिक रोशन आएंगे, सलमान आएंगे, जॉनी ब्रायन आएंगे, दीपिका पादुकोण आएंगे, तो बवाल तो मचना है, मतलब पूरा का पूरा बॉलीवुड आ गया भाई इस पिक्चर को मतलब हिट कराने के लिए, तो पिक्चर तो सफल होनी है। नमस्कार दोस्तों, पठान फिल्म कई बार थमने का नाम ले रहा है। इस फिल्म कई बार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पहले MP के गृह मंत्री, फिर BJP नेता राम कदम और विश्व हिंदू परिषद ने दीपिका के भगवे कलर के बिकनी को लेकर आपत्ति जताया। कल इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया। अब हिंदू समुदाय के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के लोग भी इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय ने कहा कि पठान फिल्म ना सिर्फ भगवा रंग बल्कि चिश्ती रंग का भी अपमान करी है। लगातार हो रही आलोचनाओं के बीच शाहरुख खान दीपिका पादुकोण के साथ फीफा वर्ल्ड कप पहुंचे। वहां उनके प्रति लोगों की दीवानगी देखने को मिली। शाहरुख के प्रति फैंस का इतना क्रेज देखने के बाद आलोचकों के मुंह बंद हो गए। भले ही शाहरुख खान की फिल्म का जमकर विरोध हो रहा है, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि सोशल मीडिया और बायकॉट गैंग ने PR कंपनी का आधा से ज्यादा काम कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बायकॉट मुहिम के चलते शाहरुख खान की जो फिल्म है उसका क्रेज इस साल रिलीज होने वाली सभी हिंदी फिल्मों से ज्यादा हो गया। कई लोग इस फिल्म के बारे में जान नहीं रहे थे, लेकिन विवाद के कारण, आपत्ति के कारण अब इस फिल्म को जानने लगे हैं। इस फिल्म के ट्रेलर का इंतजार लोग ऐसे कर रहे हैं जैसे सरकारी नौकरी के लिए बेरोजगार और मछली के लिए बगुला करते हैं। मतलब पिक्चर का जो क्रेज है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और साल 2022 में रिलीज होने वाली सारी हिंदी फिल्मों से ज्यादा हो चुका है। लोग टकटकी लगा के बैठे हैं कि कब फिल्म का ट्रेलर आएगा, कब पिक्चर का गाना आएगा और हम इस पिक्चर के बारे में कहेंगे। तो पिक्चर का जो क्रेज है काफी ज्यादा बना हुआ है। किंग खान आने वाले हैं तो क्रेज बनना ही है। इस फिल्म में शाहरुख खान के अपोजिट दीपिका पादुकोण दिखाई देने वाले हैं। दीपिका पादुकोण और शाहरुख की जोड़ी हिंदी सिनेमा की सबसे सफल जोड़ी मानी जाती है। इससे पहले दीपिका और शाहरुख ओम शांति ओम, हैप्पी न्यू ईयर और चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। तीनों ही फिल्में सुपरहिट रही। ऐसे में इस फिल्म से बायकॉट गैंग और शाहरुख खान के फैंस को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। इस फिल्म को सिंगल फिल्म की तरह देखना आलोचकों को भारी पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, शाहरुख खान की पठान कोई सिंगल फिल्म नहीं है, ना ही इस पिक्चर में शाहरुख खान अकेले हीरो होने वाले हैं। आइए बातचीत करते हैं मैं किस चीज की चर्चा कर रहा हूँ। शाहरुख खान की जो पठान है यश राज के काव यूनिवर्स का हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, यश राज बैनर के तले बनने वाली यह पैंसी फिल्म है जिसका बजट 250 करोड़ से ज्यादा है। इस फिल्म में आपको शाहरुख खान के साथ साथ सलमान खान, ऋतिक रोशन क्लाइमेक्स में दिखाई देंगे। मतलब एक ही फिल्म में 4 सुपरस्टार दिखाई देने वाले हैं। पहले शाहरुख खान, फिर जॉनी ब्राह्म, सलमान खान और ऋतिक रोशन, मतलब 4 स्टार एक फिल्म में नजर आने वाले हैं। ऐसे में इस पिक्चर का जो क्रेज है वो 7वें आसमान पर पहुंचने वाला है। पठान पिक्चर यश राज यूनिवर्स का हिस्सा है। इस फिल्म के साथ साथ टाइगर 3 की कहानी और वार 2 की कहानी साथ साथ चलने वाली है। ऐसे में इस पिक्चर का जो क्रेज है कैसे कम हो सकता है। इस पिक्चर के हिट होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि एक ही पिक्चर में अगर ऋतिक रोशन आएंगे, सलमान आएंगे, जॉनी ब्राह्म आएंगे, दीपिका पादुकोण आएंगे, तो बवाल तो मचना है, मतलब पूरा का पूरा बॉलीवुड आ गया भाई इस पिक्चर को मतलब हिट कराने के लिए। तो पिक्चर तो सफल होनी है, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि इस फिल्म में अगर एक भी वादी सीन आया तो इस फिल्म के रस्ते लग जाएंगे और शाहरुख खान का जो करियर है वो बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि शाहरुख खान की पिछली जितनी भी पिक्चर रिलीज हुई, चाहे आप 0 की बात कर लो, चाहे आप रईस की बात कर लो, चाहे आप डियर जिंदगी की बात कर लो, चाहे आप फैन की बात करो, सभी पिक्चर उतना कलेक्शन नहीं कर पाए जितना शाहरुख खान की फिल्मों के साथ होता है। ऐसे में कोई मेगा क्यों शाहरुख खान को अपने पिक्चर में साइन करेगा। शाहरुख खान के लिए पठान पिक्चर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना 12वीं क्लास के बच्चे के लिए बोर्ड परीक्षा और जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है? क्या शाहरुख खान की पिक्चर हिट होगी? क्या शाहरुख खान की पिक्चर फ्लॉप होगी? क्या शाहरुख खान 4 साल बाद कमबैक कर पाएंगे या शाहरुख खान का करियर बर्बाद हो जाएगा? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।